हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी रिसेंटली स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021 to 2022, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी नया चेंज CBSE लेके आया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो ये 5th of July 2021 को इशू हुआ था, जिसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। कल दोपहर या इवनिंग तक ये इशू हुआ था। तो यहाँ पर इसके बारे में एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट चेंज जो है CBSE यहाँ पर लेके आया है इस साल के एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली फॉर क्लासेस 10th एंड 12th के लिए। नाम याद रखिए, मनोज जहांगीर क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके हाइलाइट्स की। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है पूरा वीडियो देखने का या समझने का, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड वे में मैंने आपको ये बताया है। यहाँ पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। नो 3 आवर बोर्ड एग्जाम फॉर द सेशन 2021-22। कोई 3 घंटे का एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर, जो यूजली होता था क्लास 10th और 12th के लिए। क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम विल नाउ कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जाम। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के हिसाब से एग्जाम होंगे क्लास 10th और 12th के लिए, और स्टूडेंट्स इन्हीं के बेसिस पर जो भी आपका यहाँ पर स्कोर होगा, इसी के बेसिस पर आप लोगों की परफॉर्मेंस को गेज किया जाएगा। यही मार्क्स जो है फाइनल में लगेंगे। तो अगर आप ये टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम देते हैं तो इनको अच्छे से दीजिए, डेडिकेशन के साथ दीजिए, सो दैट आप फाइनल में अच्छा स्कोर कर पाएं, कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पर ना आए। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पे होना है। इसके अलावा ईच टर्म एग्जाम विल बी गिवन इक्वल वेटेज इन द फाइनल रिजल्ट असेसमेंट। फाइनल रिजल्ट में दोनों को इक्वल वेटेज दी जाएगी, यहाँ पर वैसे 50-50% का ये रहेगा। एंड ईच टर्म विल हैव इट्स यूनिक सिलेबस, जो CBSE अभी आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो है बता देगा, इसके बारे में सर्कुलर इशू कर देगा, क्या इस सिलेबस में होगा क्या नहीं होगा। सो दैट विल बी यू नो इंटीमेटेड बाई CBSE वेरी सून। सेकेंड टर्म एग्जाम पेपर्स विल नॉट इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म सिलेबस एंड वाइस वर्सा, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी CBSE की, कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सिलेबस अपने आप में मैच नहीं होगा। CCE पैटर्न आज से पहले यूज़ किया जाता था, जिसमें 50% सिलेबस दिया जाता था। अगर फर्स्ट टर्म में 50% सिलेबस आ गया है तो वो सिलेबस सेकेंड टर्म में नहीं आएगा, इस तरीके से ये फॉलो किया जाता था CCE पैटर्न। उसी पैटर्न पर आज के टाइम में फिर से ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि थर्ड वेव जो है वो आ सकती है इंडिया में, एंड उसकी वजह से हमें जो है एक पहले से ही पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है, आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए ये पॉलिसी CBSE ने अभी के अभी बनाई है। इसके बाद जो बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय CBSE पेपर तैयार करेगा एंड सेंड टू स्कूल्स विद मार्किंग स्कीम। और ये मार्किंग स्कीम के साथ साथ जो है CBSE स्कूल्स को सेंड करेगा, इस तरीके से CBSE ने बताया है, अपना जो सर्कुलर है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा चेंजेस आर एप्लीकेबल फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स फ्रॉम द 2021 to 2022 अकेडमिक सेशन। इस अकेडमिक सेशन से आपके जो ये चेंजेस हैं वो अप्लाई होंगे स्पेसिफिकली इस सेशन के लिए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। CBSE टू आस्क स्कूल्स टू फॉलो सिमिलर स्ट्रक्चर। अब इसके लिए जो सिलेबस हो वो सारे का सारा सिमिलर हो, उसके लिए CBSE गाइडलाइंस इशू कर सकता है, जो अभी आने वाली हैं आ सकती हैं, एक यूनिफॉर्म सिमिलर सिलेबस जो है वो सारे स्कूल्स के थ्रू फॉलो किया जाए, दैट्स व्हाट CBSE वांट्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन आपके होंगे, 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाएगा। 50-50 सिलेबस जो है ये इसका होगा। इसमें क्या सारी चीज़ें आने वाली हैं, क्या सारी चीज़ें आएंगी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर, कि टर्म 1 टर्म 2 एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। टर्म 1 की अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो दिस एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड इन नवंबर दिसंबर के अराउंड जो है 4 से 8 हफ्ते का टाइम जो है दिया जाएगा स्कूल्स को। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है ज़्यादातर स्कूल्स कहते हैं कि 50% सिलेबस जो है वो कब होगा,
मैं अगर इको की बात करूँ तो हमारे यहाँ दो बुक्स होती हैं, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये 50% सिलेबस में क्या आएगा, जहाँ पर दो बुक्स हैं उनमें कन्फ्यूजन है। इसी तरीके से अकाउंट्स में होता है, पहला होता है आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपका होता है एनपीओ एंड पार्टनरशिप, देन आपका आता है कंपनीज अकाउंट, और उसके बाद में आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस तरीके की सिचुएशन में क्या सिलेबस फॉलो किया जाएगा, आई थिंक इसके रिगार्डिंग भी सीबीएसई गाइडलाइंस इशू करने वाला है, इशू ज़रूर करेगा। अगर वो चाहते हैं कि सीबीएसई सारे के सारे स्कूल जो हैं एक सिमिलर सिलेबस फॉलो करें। इसके अलावा क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी एमसीक्यू टाइप होंगे, और यहाँ पर केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, रीजनिंग अजर्शन क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिलअप्स हो सकते हैं, मैच द कॉलम हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है ये। और ये जो पेपर होगा ये बेसिकली 90 मिनट्स का होगा, और 1.5 घंटे का आप यहाँ पर कह सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर 6 अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये मैं आपको कार्ड सेक्शन में, ये जो आई बटन की तरह होता है, यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वो 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकते हैं, जिनके बारे में मैं काफ़ी पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, पिछले साल का वीडियो है वैसे तो। 2 घंटे का ये पेपर होगा, और जैसे ही पेपर देंगे बच्चे सीबीएसई स्कूल्स को, अब वो आंसर स्क्रिप्ट जो हैं सीबीएसई पोर्टल पर, अपने आईटी पोर्टल पर, सीबीएसई आईटी पोर्टल पर, आईटी पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। टर्म टू एग्जामिनेशन की बात करें, इससे पहले टर्म वन की बात बता देता हूँ। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, 90 मिनट्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। टर्म टू एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो टर्म टू एग्जामिनेशन है कंडक्ट होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, और सब्जेक्टिव टाइप होगा। पहले वाला ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और ये आपका 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, एंड यहाँ पर 120 मिनट या 2 घंटे एक ही बात है। स्कूल विल अपलोड दी आंसर स्क्रिप्ट इमीडिएटली ऑन द सीबीएसई पोर्टल। यहाँ पर 50-50% सिलेबस होगा, आंसर शीट्स वही जैसे फर्स्ट टर्म की तरह अपलोड की जाएंगी। एग्जामिनर जो हैं, जो ऑब्जर्वर जो होंगे, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी सारी चीज़ें होंगी वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन कैसी रहती है, कैसी नहीं रहती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन स्कूल या किसी दूसरे सेंटर में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। टर्म टू का एग्ज़ाम जो है सीबीएसई दूसरे स्कूल्स में जैसे बोर्ड एग्ज़ाम होता है उस तरीके से लेना चाहती है, और जो टर्म वन का एग्ज़ाम है वो आपके स्कूल में हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में क्लियर की हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सब्जेक्टिव होगा। पहला पेपर 90 मिनट्स का होगा, ये 120 मिनट्स का होगा। ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप जितना जल्दी समझ लें, जितना आई थिंक अपलोडिंग का टाइम यहाँ पर जो है, मतलब अपलोडिंग का जो फॉर्मेट है वो दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है, तो यहाँ पर उसका कोई इशू नहीं है। ये सारे के सारी चीज़ें अभी कर दी हैं सीबीएसई ने, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना फेस करने पड़े, जैसे कि इस साल प्रॉब्लम आ गई थी कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि 90 मार्क्स का एमसीक्यू का पेपर होगा, फिर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं थी। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल्ड वीडियो, जो कल की क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूँगा कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, तो वो मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको पता है हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को पहले से क्लियर होनी चाहिए। एंड अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो डिस्क्रिप्शन आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं रीड करता हूँ हर एक कमेंट, रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। बाकी अगर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो मैं आपको यहाँ कार्ड सेक्शन में दे दूँगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं रिलेटेड वीडियोज़ को, जो क्लास 10th से रिलेट करते हैं, क्लास 12th से रिलेट करते हैं। तो वैसे तो मैं क्लास 9 से 12 तक के वीडियो बनाता हूँ। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी, सोशल हैंडल्स पर भी। बाकी अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और इंस्टेंटली इन सारी जिन सारे अपडेट्स हैं इनसे अपने आप को फैमिलियर कीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।